नमस्कार, रॉयल क्लासेस उदयपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम विक्रम है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। सो फार सो गुड। अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, नाउन की जो पूरी थ्योरी है, नाउन कहाँ कहाँ दिखाई देता है सेंटेंस में, उसके कितने आस्पेक्ट्स हैं, उस पर कहाँ कहाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितनी टाइप्स हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल का क्या इम्पैक्ट है, और अब कुछ साधारण चीज़ें अंत में। साधारण चीज़ें हमेशा, छोटी मोटी चीज़ें अंत में देखनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल चीज़ों पे सबसे पहले हमारी एनर्जी को लगाना चाहिए हमें। तो सामान्य चीज़ों में नाउन नंबर और जेंडर बचता है। नाउन जेंडर हम देख चुके हैं, अभी नाउन नंबर की बारी है। नंबर ये बताता है कि नाउन का एकवचन बहुवचन कैसे बनाते हैं। एकवचन बहुवचन दो तीन मायनों में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एकवचन बहुवचन कहाँ इम्पैक्ट करेगा उसके लिए आप देख लीजिए एक बार। अगर मान लीजिए नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो आस्पेक्ट्स में सारे बता चुका हूँ, इसके साथ आर्टिकल कैसे आएगा, वर्ब कौन सी आएगी अगर ये सब्जेक्टिव केस में है, और इसके जो फॉर्म है बेसिकली मेन फॉर्म वो कैसे होगी। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ क्राइटेरियन, ये सिंगुलर होता है, लेकिन अगर कोई नाउन प्लूरल है तो उसके साथ क्या वर्ब्स आएंगी, क्या क्या आर्टिकल्स की संभावनाएं हैं, सारी हमें आर्टिकल चैप्टर में हम देखेंगे। तो नंबर जो है वो आपके आर्टिकल के चैप्टर को सीधा सीधा प्रभावित करता है। अगर सब्जेक्टिव केस में है तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी, हमें पता है। और सेकंड मसला जो रहता है वह फॉर्म का किस रूप में दिखाई देगा। तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। जनरली हिंदी में क्या होता है, हम क्राइटेरिया शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं कि इस चीज़ का क्या क्राइटेरिया है, तो लोगों को लगता है क्राइटेरिया इज सिंगुलर, क्योंकि हिंदी में जब इसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो एकवचन नाउन के तौर पे हम इसको देख रहे हैं, और यही सारे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं एकवचन बहुवचन को लेके जो फॉर्म से संबंधित हैं। तो ज़रा एक बार हम उसको आगे देख लेते हैं कि ताकि उसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं रहे। तो इस तरीके से ये कुछ छोटी मोटी दो तीन चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। देखिए, जब भी आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जिन पे आपको फोकस करना है, वो वी हैव टू कीप इन माइंड। सो इसलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इसमें जब आप आ रहे हैं नाउन नंबर, तो आपका पहली जो चीज़ आपको दिखाई देगी वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। सिंगुलर नाउन वो है जो एक ही व्यक्ति या वस्तु का होना बताता है। बॉय है, टेबल है, मैन है, वुमन है, गर्ल है, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन। और प्लूरल होता है एक से ज़्यादा का होना बताना। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगले पार्ट में चल के, तो एक से ज़्यादा होना आपका क्या है, बेसिकली प्लूरल होना बताता है। तो जैसे यहाँ पे जो पीछे नाउन है हमने देखे हैं उसी का ही प्लूरल है बेसिकली। बॉयज, टेबल्स, गर्ल्स, काउज, बर्ड, ट्रीज, बुक्स, पेंस, ये सारे के सारे आपके प्लूरल हैं। लेकिन कुछ का निर्माण अलग तरीके से होता है कुछ का। जैसे आप देख सकते हैं इसमें, जैसे ड्वार्फ है, हूफ है, स्कार्फ है, वार्फ है, इनका प्लूरल एस या वी ई एस लगाकर, दोनों लगाकर होता है। फॉर एग्जांपल, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स भी होता है, ड्वार्व्स भी होता है, हूफ्स का हूव्स भी होता है और हूफ्स भी होता है। हूफ का प्लूरल हूफ्स भी लिख सकते हैं, हूव्स भी लिख सकते हैं। स्कार्फ का स्कार्फ्स भी लिख सकते हैं, स्कार्व्स भी लिख सकते हैं, वाफ और वाव्स। तो आपका क्या है बेसिकली, ये दोनों जो शब्द हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इनमें ऐसे ई एस और वी एस दोनों लग जाता है। कुछ अन्य शब्द होते हैं जिनमें एफ या ई एफ को जो एंड होते हैं उसमें केवल एस लगकर प्लूरल बनाता है। हमारा एक परसेप्शन है कि जिनमें एफ होता है एंड में या एफ ही होता है उसमें वी एस लगाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन के तौर पे होते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो एक्सेप्शनल हैं, नॉर्मल हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। तो इसमें क्विकली, मुझे इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ताकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, इसमें सिर्फ ये है कि ये ऐसा दिखाई देता है। तो आपको पढ़ के बस लर्न करना है, इसको रिमेंबर करना है। तो इसमें आपका है, आपका जैसे चिफ, चीफ है, चीफ्स, क्लिफ, चीफ आप जानते ही हैं जो मुखिया होता है, क्लिफ जो होती है वो चट्टान को क्लिफ कहते हैं, तो क्लिफ्स हो गया। गल्फ खाड़ी होती है, गल्फ्स है,
हैंडकरचीफ जो रुमाल आप रखते हैं तो उसका इसमें प्लूरल हो जाएगा हैंडकरचीफ्स। प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ्स आप जानते हैं, प्रूफ आप शब्द नॉर्मली यूज़ करते हैं। सेफ, सेफ का बन जाएगा सेफ्स, ऐसी लगता है इसमें। कुछ में ऐसा होता है जिसमें आप जब उसका प्लूरल बना रहे होते हैं तो उसके भीतर का वावल बदल देते हैं, एस नहीं लगाते, जो कॉमन है। इनमें अक्सर जो है हमसे गलती हो जाती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सिंपल कई बार क्वेश्चन लिख देते हैं, हमें पता भी नहीं लग रहा लगता, देर वॉज ए मैन सिटिंग ऑन द टेबल, सिटिंग ऑन द बेंच। अब आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम आपको कुछ और नज़र नहीं आता, क्योंकि एम ई ओ और एम ए एन पे हमारी अक्सर नज़र नहीं जाती जब बहुत तेज़ी से हम पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे अ मैन आएगा। तो इस तरीके से इसमें खासकर जो बीच में वावल जो चेंज होते हैं, मैन वुमेन इत्यादि में, गूज गीज, टूथ टीथ, फुट फीट, इनमें अक्सर बदमाशी कर जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे आपका है फुट का फीट है, गूज का गीज है, लाउस का लाइस है, मैन मैन का मैन है, माउस का माइस है, टूथ का टीथ है, वुमन का विमन है, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का, नहीं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। अगले हैं आपके जिनमें आगे जो बनते हैं इनका सिंगुलर प्लूरल, ये जो कंपाउंड नाउन है इसका सिंगुलर प्लूरल बनाते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोट ऑफ मेल का होगा कोट्स ऑफ मेल, यहाँ एस नहीं लगकर पहले शब्द के साथ एस लगता है, ये खास बात है। पजेसिव केस जब बनाते हैं तो पजेसिव केस बनाते हैं तो कमांडर इन चीफ्स, यहाँ पे वो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, तो इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है इस तरीके से कि आपका बेसिकली यहाँ पे जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो पहला जो वर्ड है उस पर एस लगाएंगे। कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ, लुक ऑन का है लुकर्स ऑन। अच्छा, ऑन लुकर्स भी होता है, लुकर्स ऑन भी होता है, ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। मेड सर्वेंट का जब प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मेड सर्वेंट्स, इसका हमें ध्यान रखना है बस, ये थोड़ा इसमें यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, पैटर्न से हटके है। तो ये पैटर्न से हटके होते हैं, तो आपको इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस इनको याद रखना पड़ेगा। मैन सर्वेंट का जो होता है वो मैन सर्वेंट हो जाएगा, मैन में एम ई एन लगेगा, लेकिन मेड सर्वेंट जो होता है उसका मेड सर्वेंट्स होगा, लेकिन मैन सर्वेंट जो होता है उसमें ये ध्यान रखना है इसका मैन सर्वेंट्स होगा, मैन ऑफ वॉ, मैन ऑफ वॉ। पासर बाय, पासर्स बाय, पासर बाय वो होता है जो राहगीर आपके बाजू से निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं पासर बाय। सन इन लॉ का बनेगा सन्स इन लॉ, स्टेप डॉटर का बनेगा स्टेप डॉटर्स, नॉट स्टेप्स डॉटर, स्टेप डॉटर्स। स्टेप सन का बनेगा स्टेप सन्स, बस ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से थोड़ा सा इसमें बदलाव है कुछ चीज़ों में। मैन सर्वेंट ऐसा है जिसमें आपको बेसिकली जो है पहले वर्ड का बनेगा, लेकिन मेड सर्वेंट में सर्वेंट्स का बनेगा, तो इसमें आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं, खासकर जिनमें तीन वर्ड हैं, ठीक है, या जिनमें जो मुख्य नाउन जो है उसको उसको बनाएंगे। जैसे इसमें कॉट मुख्य नाउन है, इसमें कमांडर मुख्य नाउन है, उसमें डॉटर मुख्य नाउन है, इसमें लुकर मुख्य नाउन है, तो जो मुख्य नाउन होगा उस पर बनाएंगे हम। सिर्फ मेड सर्वेंट और मैन सर्वेंट के बीच में कोई बीच में कोई तालमेल नहीं है। जैसे मैन ऑफ वॉर में मैन मुख्य है, पासर में पासर मुख्य है, तो पासर्स बाय, सन इन लॉ में सन मुख्य है इसलिए उसका, और स्टेप डॉटर में क्या है, डॉटर मुख्य है, स्टेप शब्द मुख्य नहीं है, स्टेप सन में भी सन मुख्य है, तो थोड़ा सा ये एक इसको एक आधार बना के आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर है स्पूनफुल और हैंडफुल का जो प्लूरल बनेगा वो स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स होगा, स्पूनफुल नहीं होगा। अच्छा, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ने, पता नहीं किसी एग्जाम में मैंने देखा था स्पूनफुल लिखा हुआ था, जबकि होता ये जो एस है वो यहाँ लगेगा, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद है बहुत से शब्द जो फॉरेन लैंग्वेज से लिया गया है उनका ओरिजिनल फॉर्म अलग होता है,
उनका ओरिजिनल जो फॉर्म है उससे उनका प्लूरल थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आपका यहाँ पर देखेंगे तो एडेंडम का है वो एडेंडा है, डेटम का डेटा है, वैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे मीडियम का मीडिया है। तो मीडिया को आजकल एकवचन बहुवचन दोनों के तौर पे यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी, बाकी है प्लूरल। अगर कोई शुद्धतावादी रवैया रखता है तो डेटा के साथ और मीडिया के साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया ही यूज़ करेगा वो। प्रीमियम, अच्छा इसमें आपका डेटम, डिक्टम, डिक्टा, एरेटम, एरेटा, फॉर्मूला, फॉर्मूली। अच्छा फॉर्मूला को दो तरीके से प्लूरल बना लेते हैं, फॉर्मूली भी होता है और फॉर्मूलाज भी होता है, तो ये दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। इंडेक्स, इंडाइसिस, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, ओवम, ओवा, स्ट्रैटम, स्ट्रैटा। अच्छा ओवम जो होता है बेसिकली अंडाशय को कहते हैं, ओवा अंडाशय का बहुवचन है, स्ट्रैटम होता है तबका, जो समाज के तबके होते हैं ना अलग अलग, उनको तबका, समाज का तबका, स्ट्राटा समाज के तबके होते हैं अलग अलग। तबका तो वैसे उर्दू का शब्द है, लेकिन मैं कहूँ आपको बोलूँ सामाजिक जो स्तर होते हैं अलग अलग लोगों के, समुदाय समूह, उसके आधार पे। उसके बाद अगला वर्ड बना है आपका, इसमें है एसाइलम। एसाइलम का बहुवचन एसाइलम्स होगा, म्यूजियम का म्यूजियम्स होगा, प्रीमियम का प्रीमियम्स होगा, फोरम का फोरम्स होगा, पेंडुलम का पेंडुलम्स होगा, रेडियस का रेडियाई होगा, टर्मिनस का टर्मिनाई होगा। अगला है ग्रीक। ग्रीक शब्दों में जो लिए गए हैं जिनमें एंड में एस आई एस होता है उनमें एस ई एस लगाते हैं, जैसे एनालिसिस, एनालिसिस, एस ई एस लगेगा एस आई एस की जगह, एक्सिस, एक्सिस, ई एस लगेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर, बेसिस, बेसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस संकट होता है, क्राइटेरियन आए था क्राइटेरिया बनता है, हाइपोथेसिस प्रिकल्पना है तो इसका बहुवचन हो जाएगा हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है इसका प्लूरल हो जाएगा पैरेंथेसिस, फिनोमिनन का प्लूरल हो जाएगा फिनोमिना, थेसिस का हो जाएगा थेसिस, फ्रॉम इटालियन, फ्रॉम इटालियन, बैंडिट का बैंडिटी या बैंडिट्स दोनों हो जाता है, बैंडिट का मतलब होता है ये लुटेरे, डकैत या लुटेरे शब्द को हम बैंडिट कहते हैं, मैडम का मैडम या मैडमीज दोनों हो जाएगा, ये फ्रांस में मैडम को मैडम कहते हैं, और मॉन्श्योर होता है आपका मिस्टर के लिए मॉन्श्योर यूज़ करते हैं, मॉन्श्योर्स इसका प्लूरल है, ये फ्रांस की भाषा से, फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं। हिब्रू, हिब्रू भाषा से भी कुछ वर्ड लिए गए हैं, उनको ये अलग है, चेरब, चेरबिम या चेरब्स भी होते हैं, और शेरब्स भी कई लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, शेरफ, शेरफिम या शेरफ्स दोनों प्लूरल के तौर पे इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगला है कुछ नाउन्स की दो प्लूरल फॉर्म होती हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो चलो हिब्रू भाषा में इसको ये कहते हैं वो कहते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ब्रदर शब्द के दो बहुवचन होते हैं और जिनके दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। ब्रदर्स, ब्रदर्स होते हैं भाई आपस में, जो एक ही माता पिता की जो औलाद होते हैं उनको ब्रदर्स कहते हैं। ब्रदरन होते हैं कुटुंब या कुनपे के जो सदस्य होते हैं, हमारे भाईबंद एक गोत्र में, जैसे इंडिया में हमारे होता है एक गोत्र में, या चाचा ताऊ के बच्चे, या एक ही जात समुदाय के एक ही गोत्र के लोग जो एक साथ रहते हैं उनको ब्रदरन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रदरन, भाई बंद, बंधुगण। उसके बाद क्लोथ से आपका, अब देखिए यहाँ पे जो सिला हुआ क्लोथ है जो आप मार्केट से रेडीमेड गारमेंट लेके आते हैं वो होता है सी एल ओ टी एच ई, और जो कपड़ा आप खरीदते हैं जिसको बाद में सिलवाते हैं उसमें केवल एच होता है, ई नहीं होता। ई एक्स्ट्रा मतलब आपने कुछ सिलवा लिया है उसका, तो सिंपल जो थान होता है कपड़े का, पीस ऑफ क्लॉथ होता है उसको क्लॉथ्स कहते हैं, क्लॉथ्स होते हैं गारमेंट्स। अब डाई, डाई का मतलब मरना भी होता है, और डाई का मतलब दो अर्थ होते हैं इसके जो बहुवचन होता है, एक तो डाइज, डाइज होती हैं जो आप बनाते हैं ना छापे खाने के लिए, सिक्के छापने के लिए, तो सिक्के छापने का जो स्टैम्प होता है वो सिक्के छापने का स्टैम्प, और डाइस जो होता है वो होता है पासा,
शकुनी मामा वाला, शकुनी मामा वाला पासा जो है ना, जो चौपड़ वगैरह में यूज़ करते हैं, चौसर में यूज़ करते हैं हम लोग, या चेस उस पर, नोट नोट, सांप सीढ़ी वगैरह पे, लूडो में जो आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइस। इंडेक्स, इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है, जिसमें आप किसी में भी जो भी एक टेबल है उसमें जो भी कंटेंट है आपके, उसको हम इंडेक्सेस कहते हैं। इंडाइसेस होता है घातांक और करणी जो आप पढ़ते हैं, इंडाइसेस कहते हैं उसको। साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में जो साइंस आप यूज करते हैं उनको इंडाइसेस कहते हैं। उसके बाद आता है पेनी, पेनी का मतलब था सिक्का। तो पेनीज आपका है तो नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्के आपके होते हैं। और पेंस होता है अमाउंट इन वैल्यू, जैसे एक एक पैसे के अगर आपके पास चार सिक्के हैं तो यू हैव फोर पेनीज। कितनी है, वन पेनी, सेकंड पेनी, थर्ड पेनी, फोर पेनी। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी फोर पेंस, ये वैल्यू है। मान लीजिए आपके पास एक एक रुपए के या दो दो रुपए के सिक्के हैं, दो दो रुपए के, दो दो पैसे के, पेंस पैसे से आता है, तो दो दो पैसे के हैं तो वैल्यू हो जाएगी एट पेंस। पेनीज तो फोर ही हैं लेकिन वैल्यू बढ़ गई, तो ये वैल्यू से संबंधित है, पेंस कीमत है, और ये संख्या से संबंधित है। अब संख्या और कीमत तो अलग अलग चीज़ें हैं ना दोनों। जैसे सौ रुपये के अगर दस नोट हैं तो नंबर जो है वो तो दस है लेकिन वैल्यू एक हज़ार है, तो वैल्यू और संख्या में थोड़ा फर्क होता है। कुछ नाउन का सिंगुलर के तौर पे जो अर्थ होता है वो दो तथा प्लूरल के तौर पे एक अर्थ होता है। सिंगुलर के तौर पे तो जो होते हैं आपके बेसिकली दो अर्थ हैं, तथा प्लूरल के रूप में एक ही अर्थ होता है। जैसे लाइट, लाइट का मतलब चमक भी होता है और लाइट का मतलब बत्ती भी होता है, लैम्प जो हम जलाते हैं, और लाइट्स का मतलब होता है बत्तियाँ, या जो आप बल्ब वगैरह जो जिनको हम बोलते हैं जनरली उनको लाइट्स कहा जाता है। पीपल, पीपल का मतलब राष्ट्र भी होता है और पीपल का मतलब लोग बाग भी होते हैं, मैन एंड वीमेन, लेकिन पीपल्स का मतलब नेशंस ही होता है हमेशा। तो ये कुछ आपके सामने ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका एक वचन के तौर पे दो अर्थ हैं लेकिन प्लूरल के तौर पे सिंगली इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर आपका है पाउडर, पाउडर होता है डस्ट, बारीक जो पाउडर होता है हमारे पास, और पाउडर का मतलब डोज ऑफ मेडिसिन होती है, फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, जो मेडिसिन हमें देते हैं जो पुड़िया वगैरह में लपेट के, उसको हम कहते हैं अ डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, उसको होता है। पाउडर्स होता है डोजेज ऑफ मेडिसिन, तो ये पाउडर के तौर पे बारीक बुरादा भी होता है और डोज भी होती है, खुराक भी होती है, लेकिन पाउडर्स तो होती है खुराकें ही होती है, प्लूरल के तौर पे खुराक का ही अर्थ देगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब आदत भी होता है और एक्सरसाइज और प्रोफेशन होता है, अभ्यास भी होता है, तो आदत भी है और अभ्यास भी है, लेकिन प्रैक्टिसेस होती हैं आदतें, जो सोसाइटी की जो आदतें होती हैं, पर्टिकुलर जो प्रैक्टिसेस होते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस जिनको कहते हैं हम, जो सोसाइटी एक जनरली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी चीज़ को यूज़ करते हैं उसको हम प्रैक्टिसेस कहते हैं। उसके बाद आपका आता है कुछ नाउंस का सिंगुलर के तौर पर एक तथा प्लूरल के तौर पर दो अर्थ होते हैं, जैसे कलर का है ह्यू और कलर्स होएगा ह्यूज, एंड द फ्लैग्स ऑफ द रेजिमेंट, किसी भी रेजिमेंट का जो झंडा होता है उसको भी हम कलर्स कहते हैं। रंग भी होता है और कलर्स का मतलब रंग का प्लूरल, रंगों की बात हो रही है, और झंडे भी होता है, रेजिमेंट का जो झंडा होता है उसको भी कलर्स कहते हैं। कस्टम, कस्टम हैबिट भी है, कस्टम का मतलब परंपरा या जो भी आपकी है, और कस्टम्स का मतलब परंपराएं भी होती हैं, आदतें भी होती हैं समाज की, और ड्यूटीज़ भी होती है, जो कर लगता है इम्पोर्ट पे उसको कस्टम्स कहते हैं। तो कस्टम्स ड्यूटी लगती है ना हमारी, जो कस्टम्स पे जो हमारा पैसा लगता है, कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर कुछ पैसा लगता है। उसके बाद आता है इफेक्ट वर्ड, इफेक्ट वर्ड का जो एक वचन है वो तो नतीजा ही होता है, प्रभाव, लेकिन इफेक्ट्स का मतलब प्रभाव का प्लूरल भी होता है और इफेक्ट्स का मतलब प्रॉपर्टी भी होता है, आपका प्रॉपर्टी जो आपकी संपत्ति है उसको भी इफेक्ट्स कहते हैं। मैनर का मतलब तरीका भी होता है, और मैनर का मतलब तरीके, मैनर्स का मतलब तरीके भी होता है और व्यवहार भी होता है, बैड मैनर्स, तो हम ये कहते हैं ना बैड मैनर्स, बहुवचन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं,
मॉरल, मॉरल का मतलब नैतिक शिक्षा, लेकिन मॉरल्स का दो अर्थ होते हैं, नैतिक शिक्षाएं भी होता है और व्यवहार भी होता है दोनों। अगला है मोराल है, नॉट सॉरी मॉरल, मोराल। अच्छा नहीं, मॉरल ही है, मोराल का तो स्पेलिंग अलग होता है, मोराल का तो ई होता है एंड में। नंबर, नंबर का मतलब संख्या, और नंबर्स जो है बेसिकली उसके आपके बेसिकली अलग अलग अर्थ होते हैं। नंबर्स का मतलब संख्याएं भी होती है और वर्सेस भी होती हैं। जो किसी भी साहित्य में जो दोहे लिखे होते हैं, सूक्तियां लिखी होती हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। फिर अब अगला डायमेंशन ये है कि निम्नलिखित नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल के तौर पे एक से ज्यादा अर्थ। अभी तक तो क्या था, किसी के एक वचन के तौर पे एक, बहुवचन के तौर पे दो, किसी का एक वचन के तौर पे दो, बहुवचन के तौर पे एक। अब ऐसी कहानी है जिसमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके एक वचन बहुवचन के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, जैसे ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब जमीन भी होती है और कारण भी होता है। धरातल, तो धरातल का मतलब क्या है, जमीन भी है और कारण भी है। लेकिन ग्राउंड्स का अर्थ जो दो तीन होते हैं, जो भी आपका आंगन होता है, आंगन या प्रांगण, उसको भी हम ग्राउंड्स कहते हैं। कारण आपके पास हैं कई रीजन्स, उनको भी कहते हैं, रीजन्स को भी कहते हैं, और ड्रैग्स, ग्राउंड्स, तलछट को भी कहते हैं, तलछट जो जमा हो जाता है उसको भी ग्राउंड्स कहते हैं। उसके बाद लेटर, तो लेटर में अक्षर भी होता है और लेटर एपिस्टल भी होता है, जो भेजा जाता है संदेशा। लेटर्स का क्या है, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट भी होते हैं, अक्षरों के रूप में भी आता है, संदेश भी है और साहित्य भी है। तो अगर कहीं लिखे ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब मैन ऑफ लिटरेचर, यानी पढ़ा लिखा आदमी है भैया। अगला है सफरिंग, सफरिंग का मतलब पीड़ा भी होता है, लेकिन सफरिंग्स जो, अच्छा पेन का मतलब पीड़ा भी होता है, और पेन्स का मतलब पीड़ा भी है, और आपकी जो है ध्यान रखना उसको भी हम केयर को भी क्या कहते हैं, पेन्स कहते हैं। प्रिमाइस, प्रिमाइस होता है प्रपोजिशन, जो आप तथ्य रखते हैं किसी के सामने उसको भी प्रिमाइस कहते हैं। लेकिन प्रिमाइसिस के दो अर्थ होते हैं, तथ्य भी होते हैं, और साथ में प्रिमाइसिस का मतलब बिल्डिंग भी होता है, जिसको परिसर कहते हैं। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब फोर्थ पार्ट भी होता है, क्वार्टर्स का मतलब जो होता है बेसिकली चौथे हिस्से भी होते हैं, साथ में रहने की जगह भी होती है। आर्मी क्वार्टर्स, रहने की जो जगह होती है ना, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसको भी, लॉजिंग्स को भी हम क्या कहते हैं, रहने की जगह को लॉजिंग भी कहा जाता है, उसके लिए भी क्वार्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला आता है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य भी है, और प्लूरल के तौर पे दृश्य भी होते हैं, चश्मा भी होते हैं। कल भी इसका जिक्र हुआ था जब हम लोग, सॉरी कल नहीं, आई मीन प्रीवियस क्लास में भी इसका जिक्र हुआ था। और उसके बाद आपका आता है निम्नलिखित नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल के तौर पे अलग अलग अर्थ होते हैं। अब ऐसे नाउन आते हैं, अभी तक तो ऐसे थे, कुछ मिलते जुलते अर्थ हैं, एक से ज़्यादा, एक वचन का एक, बहुवचन के ज़्यादा, बहुवचन का एक, एक वचन के ज़्यादा, एक वचन बहुवचन दोनों के ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं मिलते जुलते अर्थ। लेकिन यहाँ तो एक वचन बहुवचन का बिल्कुल ही अलग अर्थ होगा। एडवाइस, काउंसल, सलाह होती है, लेकिन एडवाइसेस का मतलब होती है सूचना। एयर, एयर का मतलब एटमॉस्फेयर, वातावरण होता है, हवा। लेकिन एयर्स का मतलब अफेक्टेड मैनर्स, घमंड भी होता है, हवाबाजी, या घमंड। कैंपस, कैंपस का मतलब होता है दायरा, लेकिन कंपासेस वो होता है जो दिशा सूचक यंत्र होता है, जिसको हिंदी में भी कंपास ही कहते हैं, लेकिन वो कंपासेस होता है। कॉपर्स, कॉपर्स होते हैं कॉपर के सिक्के, और कॉपर मेटल भी होता है, लेकिन कॉपर्स के, जो कॉपर के सिक्के होते हैं, तांबे के सिक्के को हम कॉपर्स कहते हैं, लेकिन कॉपर को मतलब तांबा, एक वचन मिस है कहीं पे इसमें। फोर्स, फोर्स का मतलब ताकत होता है, लेकिन फोर्सेस का मतलब ट्रुप्स, सुरक्षा बल या बल जो भी होते हैं।
उनको भी ट्रूप्स कहते हैं। गुड, गुड का मतलब फ़ायदा भी होता है और गुड का मतलब भलाई या अच्छाई भी होता है, जैसे वेल बींग है ना, भलाई या अच्छाई। जबकि गुड्स का मतलब होता है मर्चेंडाइज, चीज़ें जो बेची जाती हैं। आयरन, आयरन आपका लोहा भी होता है और आयरन्स का मतलब होते हैं आपके फेटर्स, बेड़ियाँ। फिजिक, फिजिक, फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन, दवा, लेकिन फिजिक्स का मतलब होता है नेचुरल साइंस। जो फिजिक्स आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको, नेचुरल साइंस को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और उसके बाद आपका आता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब आदर भी होता है और रेस्पेक्ट्स का मतलब कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको दिए जाते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है उसको भी हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। फिर आपका आता है टिन्स। तो यहाँ पे कैंस मेड ऑफ टिन, और टिन धातु भी होता है, टिन धातु को तो टिन ही बोलेंगे, लेकिन जो टिन्स का मतलब होता है टिन के बने हुए, जो आपके धातु की जो बने हुए कैन होते हैं जिनमें लिक्विड, जैसे आपके कुछ पेय पदार्थ उसमें शामिल होते हैं कैंस में, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, कोका कोला वगैरह कैंस आते हैं। वुड का मतलब लकड़ी है, लेकिन वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का प्लूरल नहीं होता, वो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ट्रूथ। लेकिन जब ये प्लूरल के तौर पे आते हैं तो इन्हें काउंटेबल के रूप में अलग अर्थों में यूज़ किया जाता है। जैसे प्रोवोकेशंस है, प्रोवोकेशंस क्या होते हैं, प्रोवोकेशंस होते हैं घटनाएं, उकसाने की घटनाएं। काइंडनेसेस, काइंडनेस होते हैं दयालु अपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको हम कहते हैं। अब अगला जो पार्ट है इसमें, लास्ट जो पार्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। कुछ जो सिंबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, इनको कथित रूप से अगर प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कर लेते हैं। जैसे जब इनको बहुवचन बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके सामने हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा कर प्रयोग किया जाता है, एड योर टूज, थ्रीज एंड फोर्स, फोर फाइव्स। आपको तीन तो दो तो तीन ऐड करने हैं और चार आपको पांच ऐड करने हैं। डूज एंड डोंट्स, यहाँ पे डज नहीं है, डूज है बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे, डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स का मतलब होता है जो काम करना है और जो नहीं करना है, उसके जो निर्देश होते हैं उसको डूज एंड डोंट्स कहते हैं। डॉट योर सीज एंड क्रॉस योर ईज, कोई भी शब्द है उस पर जो सी है उन पर डॉट लगाइए और ई पे जो है आप बेसिकली उस पर क्रॉस लगा दीजिए, जैसे ऐसे कुछ है तो उसके ईज हैं। हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स जो होते हैं अमीर गरीब, ये idiom के तौर पर यूज होता है। इफ्स एंड बट्स, इफ्स एंड बट्स वो होते हैं जो आप किंतु परंतु निकाल लेते हैं किसी भी चीज़ में बहाने। शेल्स एंड विल्स, शेल्स एंड विल्स होते हैं भविष्य में जो आप करने वाले हैं, प्रोमिसज को भी शेल्स एंड विल्स कहते हैं। टीज, वंस, टूज, एम पीज, एम एल एज, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इनको। देर आर मैनी टीज एंड पीज इन दिस पेज, कई टी और कई पी हैं इस पेज में। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन दो नाउन से मिलकर बनते हैं, ये आप देख सकते हैं इसको खुद भी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बताऊँ। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, ये सात आठ चीज़ें हैं जिसमें जो लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं, वो आता है नाउन इन अपोजिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है दो नाउन आती हैं लेकिन उसके पीछे व्यक्ति या वस्तु एक ही होता है। दो चीज़ें लिखेंगे लेकिन एक ही के लिए लिखेंगे, उसको हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। साथ साथ रखा हुआ होना के लिए आता है आपका। अपोजिशन का अर्थ होता है प्लेसिंग नियर, पास में रखा हुआ। जब एक नाउन दूसरे नाउन को वर्णित करे, एक नाउन दूसरे नाउन का वर्णन कर रही है तो उसको हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, एक ही चीज़ के लिए आते हैं। महात्मा गांधी द ग्रेट फ्रीडम फाइटर वॉज अ लॉयर, महात्मा गांधी क्या थे, एक लॉयर थे। तो ये जो महात्मा गांधी और फ्रीडम फाइटर एक ही व्यक्ति हैं। येस्टरडे आई मेट योर नेबर द प्रोफेसर, आपका नेबर और प्रोफेसर एक ही आदमी है। हैव यू सीन मिस्टर हुसैन द पेंटर, हुसैन पेंटर ही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे
लिखने के सही तरीके, एडमिट कार्ड नहीं होता, इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं एडमिशन कार्ड, याद रखिएगा, हो सकता आ जाए लेकिन जनरली हम जो बोलते हैं। चीटर नहीं होता, चीट होता है, धोखेबाज को चीट कहते हैं, चीटर नहीं कहते। और उसके बाद है आपका, इसमें अगला जो पार्ट है वो है कज़न। कज़न होता है, कज़न ब्रदर या सिस्टर नहीं होता, कज़न ब्रदर या सिस्टर नहीं होता, ये वाला पार्ट आपको यूज़ नहीं करना है। फ्री स्टूडेंटशिप होता है, फ्रीशिप नहीं होता। फ्री स्टूडेंटशिप वो होता है जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलके एडमिशन मिला हो। लेक्चरशिप होता है, लेक्चररशिप नहीं होता। नेम होता है, गुड नेम नहीं होता। लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, इंग्लिश हम लोग हिंदी में आपका शुभ नाम क्या है, तो उसको लोग कई रूपांतरण करके बोलते हैं, व्हाट इज योर गुड नेम। सो डोंट से गुड नेम, से व्हाट इज योर नेम। नेगोशिएटिंग टेबल होती है, नेगोशिएशन टेबल नहीं होती। जब भी आप किसी ऐसी चीज़ पे जहाँ पे मोल भाव करते हैं बेंच पे बैठ के, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएटिंग टेबल, नॉट नेगोशिएशन, सॉरी आपका नॉट नेगोशिएशन टेबल। नाइटमेयर होता है, बैड ड्रीम नहीं होता। बैड ड्रीम का इटसेल्फ मींस यू नो नाइटमेयर। ऑपरेशन थिएटर होता है, ऑपरेटिंग थिएटर नहीं होता। पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता, हम हिंदी में बोलते हैं। पिक पॉकेट होता है, पिक पॉकेटियर नहीं होता, जेब कतरे को पिक पॉकेट बोलते हैं। जिस रूम में आप अध्ययन करते हैं उसको स्टडी कहते हैं, स्टडी रूम नहीं कहते, रिमेंबर दैट। वी डोंट से इट स्टडी रूम, वी कॉल इट स्टडी ओनली। द टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, इंग्लिश टीचर नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री साइंस टीचर इज पॉसिबल। अगर इंग्लिश टीचर हम बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा टीचर फ्रॉम इंग्लैंड, जबकि हम कहता है द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके लिए टीचर ऑफ इंग्लिश बोलेंगे, हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। अगला है हिस्ट्री और साइंस टीचर इज पॉसिबल। वेटिंग लिस्ट होता है, वेट लिस्ट नहीं होता, ये आपको यू हैव टू रिमेंबर दोज थिंग्स यू नो। अब आपका है जैसे कुछ दिक्कत, मीनिंग ओवरलैप कर जाते हैं लोग, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग इनमें, तो इसके बारे में आपको कुछ दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। कई बार क्या है, गलत सलत कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेते हैं लोग बाग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, इसमें कई जगह बाई मिस्टेक लोग अलग तरीके के परसेप्शन में उलझ जाते हैं। और वो परसेप्शन क्या है कि जब भी पहली बार मिलो तो हमें गुड मॉर्निंग बोलना है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। जब भी आप पहली बार बोले, ज़रूरी नहीं आप गुड मॉर्निंग बोलें, आप जिस वक्त में है उसी वक्त को बोले। मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग बोले, नून में तो नून बोले, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून बोले। हाँ, गुड इवनिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे रात्रि के समय भी अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं सोने से पहले तो आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे। किसी घर जा, रात को 10-11 बजे भी जा रहे हैं तो आप गुड इवनिंग बोलेंगे। वहाँ से डिपार्चर कर रहे हैं या सोने जा रहे हैं आप, तब आप गुड नाइट बोलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। कुछ इस थ्योरम को, जैसे कुछ लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वो बोलते हैं इवनिंग कभी नहीं होती हमारी, हमेशा मॉर्निंग ही रहता, तो जब भी मुझे बोलोगे गुड मॉर्निंग बोलोगे। तो बहुत से लोगों ने जो स्पोकन इंग्लिश के इंस्टीट्यूट है इसको रॉन्गली पॉपुलराइज्ड इट एज कि गुड मॉर्निंग ही बोलता है, पहली बार मिलो तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। बहुत से ऐसे स्पोकन इंग्लिश के इंस्टीट्यूट है, उन्होंने किसी से सुना तो सोचा यही सही होगा, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ऐसा लॉजिक निकाल दिया, विच इज़ नॉट ट्रू। आप जब भी किसी से पहली बार इवनिंग में मिलेंगे तो आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे टिल यू गो टू स्लीप, राइट। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इसका। अलग जाते समय या सोने से पूर्व आप गुड नाइट का प्रयोग करेंगे। गुड इवनिंग का इट इज़ प्लीजेंट वेदर टुनाइट, आप किससे मिलते हैं तो आप बोलेंगे गुड नाइट की बजाय क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, इट इज़ अ प्लीजेंट वेदर टुनाइट, आज का वेदर बड़ा अच्छा है। और गुड नाइट, सी टुमारो, अगर आप जा रहे हैं तब आप बोलेंगे गुड नाइट। फ्लोर वर्सेज ग्राउंड में क्या फ़र्क है, देखिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको दो तीन छोटी मोटी चीज़ें जो जिन पे मैं जिक्र करना चाहूँगा। फ्लोर वर्सेस जो ग्राउंड है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आप कुछ उछालेंगे तो जो हिट करेगा अगेन दैट विल बी ग्राउंड नॉट फ्लोर। अगर कोई रेंग रहा है आप क्लीन कर रहे हैं तो आप फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं, ग्राउंड को फ्लोर नहीं कर रहे हैं। अगर आप आंगन को है तो फिर वो ग्राउंड्स होगा नॉट ग्राउंड, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये आपका है ग्राउंड, जमीन या सतह होता है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज स्लिपरी नॉट ग्राउंड ऑफ दिस, तो आप क्या बोलेंगे फ्लोर स्लिपरी है। और यहाँ पे आपका है द पुट इट ऑन द ग्राउंड नॉट फ्लोर, जमीन पे रखने के लिए हम क्या बोलेंगे पुट ऑन द ग्राउंड।
स्किल वर्सेस टैलेंट। स्किल जो होती हैं वो एक्वायर की जाती हैं, होन की जाती हैं, निखारी जाती हैं। टैलेंट इज इनबोर्न, जो आप पैदा होते हैं लेकर, तो उसको हम टैलेंट कहते हैं। मनुष्य द्वारा सीखा गया हिज राइटिंग स्किल्स और टैलेंट वॉज अनबिलीवेबल। राइटिंग स्किल्स है, टैलेंट है, जन्मजात प्रतिभा होती है। इज अ ग्रेट मैथमेटिकल टैलेंट, मैथमेटिकल टैलेंट है वो, उसमें जन्म से ही प्रतिभा है, प्रतिभा होती है। एनवी वर्सेज जेलसी, किसी के पास कुछ देखकर आपको अगर जो आप महसूस करते हैं जलन, वो क्या होती है, आपकी ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्या को हम कहते हैं एनवी। और आपसे कोई कुछ छीन ना ले उसको हम कहते हैं जेलसी। मैं इसका एग्जांपल ऐसे दूंगा, जैसे मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है या हो गई है, अभी नई नई शादी हुई है, और आपकी वाइफ जो है बिल्कुल सामान्य जैसी दिखती हैं, लेकिन आपका दोस्त है बहुत एवरेज आदमी है, दिखने में ज़्यादा हैंडसम नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत हैं, तो उनको देखते ही आप जो हैं वो बेसिकली आप को जलन मचेगी। तो आपको जलन मचेगी तो आप क्या बोलेंगे, आपको एनवी होगी कि, और आपके मुंह से निकलता है लंगूर के हाथ में अंगूर, ऐसा जो डायलॉग है, तो वो आपको क्या, आप क्या है, एनवी है। किसी के पास कुछ देख के आपको फालतू में आप उड़ रहे हैं, वो ईर्ष्या है। दूसरा ये केस है कि आप शादी में गए और कोई आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत लेडी हैं, और दिखने में खूबसूरती के भी कई आयाम होते हैं, तो कम से कम दिखने में फिजिकल अपीयरेंस उनकी बहुत सुंदर है, और आपका एक दोस्त है जो बड़ा दुष्ट टाइप का, और वो ताली दे दे के बात कर रहा है, अरे भाभी जी आप तो हाँ वो बाकी तो सब ऐसे ही है, तो आपको जो जलन होती है दैट इज़ कॉल्ड जेलसी। क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आपकी वाइफ से कोई इतना घुल मिल के बात कर रहा, कल नई नई आपकी शादी हुई है, तो उसको हम कहते हैं जेलसी। तो यहाँ पे है व्हाट अ कार ही हैज़ गॉट, आई एनवी हिम, नॉट आई एम जेलस ऑफ हिम। आप ये नहीं बोलेंगे आई एनवी हिम, मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ उसके पास है। शी वॉज जेलस व्हेन शी सो हर हस्बैंड टॉकिंग टू अ गॉर्जियस वूमेन। उसको वो बहुत जेलस थी जब उसका मतलब पति जो है बेसिकली किसी बहुत ही खूबसूरत महिला से बात कर रहा था, तो अपना कुछ खोने के डर से जेलसी होती है, और दूसरे के पास कुछ देख के एनवी होती है। तो ये आपका नाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउन में सबसे ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, नाउन तो कई बार तो ऐसा लगता है जैसे इसका क्लासेस ख़त्म ही नहीं होंगी, अनथीन चलता रहता है, और वास्तव में नाउन का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि हर नाउन का अपना आयाम होता है, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं अगर उन पर आप फोकस करें एक एक शब्द पर और उसको सीख लें, तो दिस इज़ मोर देन इनफ। आप जो जानना है आपको उसे कहीं ज़्यादा पर्याप्त है। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज पे, तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसके लिए आपका मैं एक्सरसाइज ओपन कर लेता हूँ। ओके, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ एक्सरसाइजेज जो हमारे सामने हैं। अब इसमें आपके सामने मैं एसओ के, चूंकि आप विद्यार्थी हैं तो मैं आपके सामने दो तरह की एक्सरसाइज लेके आया हूं। एक वो एक्सरसाइज हैं जो दिखने में बहुत सामान्य हैं, आसानी से हल किया जा सकता है। ये अभ्यास के लिए है, क्योंकि फिर वही जो स्टूडेंट की प्रकृति है वो तो चाहता है कि मुझे सीधा वो पढ़ूं जो एग्ज़ाम में आता है, लेकिन एसओ के एग्ज़ाम के इंग्लिश लैंग्वेज की सच्चाई ये है कि ये शिखर का एग्ज़ाम है या शिखर के बिल्कुल एक तल नीचे का एग्ज़ाम है, तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना ही जायज़ है। सीधा आप शिखर पे पहुंचने के लिए छलांग लगाएंगे, नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखें। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो पहले सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर, तो इसके तीन तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप कहेंगे मेरे भाई का दोस्त एक है, तो उसके लिए दो तरीके से लिखा जा सकता है, द फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर द फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर, या आप लिख सकते हैं माय ब्रदर्स फ्रेंड। ये तो एक ही दोस्त है, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं
लेकिन जब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे भाई के दोस्तों में से एक दोस्त, अब चूंकि इस पार्ट में मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही अपने आप में, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क मी फॉर सम बुक्स, चूंकि मेरे भाई का दोस्त आया तो जरूरी नहीं मैं जानता ही हूँ, हो सकता है मैं अनजान में हूँ, तो यहाँ से जब सेंटेंस की बिगिनिंग हो रही तो इसमें अपने आप में कोई एरर नहीं है, तो इसको हम फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि हाँ ऐसा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स केम टू माई हाउस, यहां पे आप एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पार्ट बी में एरर। अब ये तो एक उसका तरीका है जिसको इतनी एक्सपर्टीज आ गई कि भैया जैसे ही वो पढ़ता है उसको देखते ही बात समझ में आ गई और उसने देखते ही कर दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हम तो नए हैं तो इसके लिए क्या करना है, आपको मार्क करना है कुछ चीज़ों को, नाउन को ढूंढने के लिए। नाउन कहाँ कहाँ मिलती है, वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, प्रेपोजिशन यहाँ है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रदर केम ए फ्रेंड, फिर यहाँ पे एक प्रेपोजिशन आई तो इसका ऑब्जेक्ट मी है, ये प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। यस्टरडे समय सूचक शब्द है, एंड आस्ट फिर वर्ब आ गई, मी फिर ऑब्जेक्ट आ गया, प्रोनाउन आ गया। फॉर बुक्स, तो सम बुक्स कुछ किताबें, तो इसमें अपने आप में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये प्लूरल दिख रहा है। फिर एक नाउन आया है आपका यहाँ पे, तो इसमें कोई तालमेल होना चाहिए आपस में नाउन का नाउन से, तो ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, जैसे आप अभिव्यक्ति पढ़ेंगे ए फ्रेंड ऑफ समबडी, अ ब्रदर ऑफ समबडी, तो आपको पता है इसमें दो तीन तरह की संभावनाएं हैं, तीन ही तरह की संभावनाएं हैं। अगर कुछ लोगों में से एक आया है तो ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स होगा, मेरे भाई का ही दोस्त ही आया तो मैं बोलूँगा माई ब्रदर्स फ्रेंड या द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, एक चीज़ होगी। तो यहाँ पे हम इसको ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स के रूप में बी पार्ट में लेंगे। इसी तरीके से अगले में पहला नाउन है द कैटल इन का ऑब्जेक्ट पास्चर, दो नाउन है हमारे पास, तो कैटल्स अपने आप में गलत है, तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द पास्चर ऐसा है। द शॉल ऑफ वूल्स अटैक द ट्रेवलर्स, शॉल एक नाउन है हमारे पास, ऑफ का ऑब्जेक्ट वूल्स दूसरा नाउन है हमारे पास, अटैक्ट हमारी वर्ब है, अटैक किसको किया, ट्रेवलर्स को, तो हमारे पास तीन नाउन है। ठीक है सरकार, अटैक्ड द ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स को अटैक किया, तो इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। शॉल ऑफ वूल्स, तो मुझे लग रहा है कि ये भेड़ियों के समूह की बात कर रहा है, लेकिन हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, हम अध्ययन क्या कर चुके हैं कि जो शॉल शब्द होता है वो मछलियों के लिए आता है, यहाँ पे क्या है, भेड़िए हैं। तो या तो हम इसको चेंज करें भेड़ियों के अनुसार, या शॉल के अनुसार हम चेंज करें वूल्स को, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। दो ऑप्शन क्या बचते हैं हमारे पास, या तो शॉल के अनुसार हम वूल्स को चेंज करें या वूल्स के अनुसार शॉल को चेंज करें। तो जब ऐसी दुविधा आ जाए तो क्या देखना, पूरा सेंटेंस पढ़ के देखना है, सेंटेंस से ही पता लगेगा कि इसको बदलाव करना है। तो कभी भी आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो पहला सिद्धांत ही होता है ठंडे दिमाग से पहले पूरा सेंटेंस पढ़ें, कोई जजमेंट ना लें। तो इंग्लिश लैंग्वेज को जो रीड करते करते, थ्योरी पढ़ते पढ़ते, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यहाँ यहाँ इस तरह के शब्द दिखाई देते हैं, यहाँ यहाँ गलती है, अभ्यास का ही होता है। इन्हीं एक्सरसाइज को अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यार इस तरह के सेंटेंसेज में यहाँ एरर दिखाई देती है जनरली। तो आप जब देखना शुरू करेंगे तो इनको देखा कि यार आया तो है लेकिन अटैक हुआ है ट्रैवलर्स पे। अब मछली तो पानी से बाहर निकल के राहगीर पे अटैक नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, निश्चित रूप से भेड़िए तो हैं, और तो भेड़ियों का समूह है वो शॉल ना होके क्या होता है, पैक। तो यहाँ पे हम शब्द का प्रयोग करेंगे पैक ऑफ फूल्स, तो भेड़ियों का समूह है, उसने आक्रमण किया है, तो इसलिए हम पैक शब्द को जो है उसमें यूज करेंगे। अगला है आपका अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज इम्प्लॉयड ऑन द शिप। अब ट्रेंड गैंग है किसकी है, सेलर्स की है,
कहाँ पे इम्प्लॉय है, ऑन प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, शिप, ये आपकी नाउन है, ये तो वर्ब है, तो वर्ब तो आपको साफ दिख रही है। तो इस तरीके से नाउन को अपने राउंड अप कर लिया। शिप पे इम्प्लॉय की गई है, यहाँ पे ऑन द शिप में कोई दिक्कत नहीं है, जहाज एक वचन है, आर्टिकल द लगा है, किसी विशेष शिप की बात हो रही है, उस शिप की बात कर रहे हैं जिसपे इम्प्लॉय किया गया है लोगों को। सेलर्स का जो होता है वो गैंग नहीं होता, गैंग तो गुंडों का होता है। तो सेलर्स जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं कौन, जो नाव को खेने वाले या नाव को चलाने वाले, जहाज को चलाने वाले, सेल करने वाले, उसको सेलर्स कहा जाता है। तो सेल करने वाले के लिए सेलर्स है, तो गैंग, सेलर्स का जो गैंग नाव के क्या होता है, क्रू, तो हम लिखेंगे क्रू, अ ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, फिर वही नाउन ढूंढेंगे। तो नाउन ढूंढेंगे तो सबसे पहले वर्ब है, भैया वर्ब हमारी आ गई यहाँ, तो इसको देख लिया। अब इसका सब्जेक्ट कौन है, पैसेंजर्स, तो ये भी नाउन है, शुक्र है प्रोनाउन नहीं है। कैरिड देयर ऑन, कैरिड व्हाट, बैगेज, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, तो नाउन तो दो ही आए हैं, चूंकि नाउन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑल द पैसेंजर्स, ऑल आया तो जरूर बहुवचन है, तो पैसेंजर्स बहुवचन है अपने आप में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कैरिड क्या, बैगेज। अब देखिए बैगेजेस लिखा हुआ है, अब बैगेज की प्रवृत्ति है वो है अनकाउंटेबल, तो हम क्या करेंगे, इसका ऐसे ही हटा देंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल को हम बहुवचन नहीं बना सकते, तो बैगेज शब्द आ जाएगा। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। फिर आएगा इसमें हैव, हमारा वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये दे रखा, नाउन हैव बीन सेंट, सीधी फिर आ गई प्रेपोजिशन आ गई। टू कहाँ पे, हाउस, जो कहाँ लोकेटेड है, इन अ विलेज, तो ये आपकी इतनी नाउन है। इन अ विलेज में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक गांव है कोई। सेंट टू द न्यू हाउस, नए घर में, यहाँ पे भी एक वचन बहुवचन का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है फर्नीचर्स, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, उसको आप बहुवचन नहीं बना सकते, तो आपके एरर कहाँ है, पार्ट ए में है। तो पार्ट ए में क्या करना है, फर्नीचर में जो एस है उसको हटा देना है, ये आपका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगले सेंटेंस में फिर हम सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं, वर्ब पे। अब चूंकि ओल्डो से शुरू है तो डेफिनेटली कंजंक्शन पहली बार आया, तो दो स्टेटमेंट होंगे, तो यहाँ पे फिर एक दूसरी वर्ब ये भी है। तो यहाँ पे पहले इस पहले पार्ट को देखते हैं, शी प्रोनाउन है, स्टडीड इंग्लिश, इंग्लिश स्टडीड व्हाट, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है। फोर अ ईयर, अ ईयर होता है एक साल, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सब्जेक्ट इसका शी है, फिर है येट, आपके एडवर्ब होती है, टू प्रीपोजिशन है, लर्न टू लर्न आपका इन्फिनिटिव, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अल्फाबेट्स। अब आपके पास दो नाउन है, इंग्लिश और अल्फाबेट्स। तो जो वर्णमाला होती है उसको अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट्स नहीं कहते, वर्णमाला की बात कर रहा है। साल भर हो गया लेकिन अभी वर्णमाला भी नहीं आती, तो अल्फाबेट शब्द में से एस हटा देंगे, इसको बहुवचन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये अल्फाबेट वर्णमाला के तौर पे अनकाउंटेबल होता है। अब देखिए अगेन आया है अरेबियन नाइट्स, अच्छा ये नाइट रात्रि वाला है, के वाला नहीं है, मैंने के वाला लिख दिया था, ये दूसरा डिफरेंट है। वो जो नाइट होते हैं वो योद्धा होते हैं, के एन आई जी एच टी, और जो अरेबियन नाइट्स है वो एन है, एन आई जी एस टी, ये रात्रि वाला है शायद। अरेबियन नाइट्स फिर तो ये वही किताब है जो जिसमें अलादीन वाली कहानियाँ हैं, अलादीन का चिराग और वो वाली कहानियाँ को अरेबियन नाइट्स कहते हैं। अरेबियन नाइट्स, अब चूंकि मैंने बताया था आपको प्रॉपर नाउन के समय कि अगर कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है तो जरूर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो एक वचन है, किताब का नाम है, तो आर की जगह क्या आएगा, इज। अब अगला जो क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं श्रीमान। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग। अब देखिए चिल्ड्रन आपका पहला इस पे नाउन है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, मेकिंग, जेरेंड है। प्रोन टू व्हाट, मेकिंग, मेकिंग व्हाट, मिसचीफ्स, ये इस जेरेंड का ऑब्जेक्ट है, तो मिसचीफ हमारे पास आ गया नाउन, ठीक है सरकार। बट इफ दे हैव, इफ दे हैव, दे प्रोनाउन है, नथिंग भी प्रोनाउन है, तो आगे कोई नाउन है ही नहीं, तो इस पार्ट में कोई नाउन ही नहीं है। यहाँ पे कुछ देख सकते हैं हम, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो अक्सर शैतानियाँ करते हैं,
तो मिसचीफ जो शब्द है वो अनकाउंटेबल होता है। हिंदी में हम बोलते हैं शैतानी और शैतानियाँ, लेकिन इंग्लिश में जो शैतानी के लिए शब्द है मिसचीफ, वो आपका अनकाउंटेबल होता है, वो बहुवचन नहीं होता। उसके बाद आपका अगला जो है उसमें टीचर एक नाउन है, वर्ब आ गई टू कैरी, कैरी आउट क्या ऑर्डर्स, किसके ऑर्डर, प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स आएगा। एवरी के साथ जो भी एवरी और ईच के साथ जो नाउन आता है वो एकवचन होता है, तो ये करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको नाउन तलाश तलाश के नाउन की एक्सरसाइज करनी है शुरुआत में। जब आप पहली बार एक्सरसाइज करेंगे तो आपको दिक्कत आती है, क्योंकि इंग्लिश जो है टिपिकली, अगर इस केस में देखूँ मैं कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, ये अगर आप मैथमेटिक्स करते हैं तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, आप गणनाएं करते चले जाते हैं तो आंसर इजीली आ जाता है। इंग्लिश में दोहरा चैलेंज है। दोहरा चैलेंज ये है, एक तो आपको पहले शब्दों की मीनिंग आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, फिर आपको एक एक नाउन को तलाश के और उस नाउन को समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है सरकार, तो आपको इंग्लिश में हमेशा दोहरा चैलेंज आएगा। पहला तो भाषा का चैलेंज है, आपको उसका अर्थ समझना पड़ेगा, फिर उसको ढूंढना पड़ेगा कि है कहाँ पे, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरी चीज़ उस पे जाना पड़ेगा। तो शुरुआत में जब भी आप एक्सरसाइज करें तो हर सेंटेंस में नाउन ढूंढ के उसको करें। अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे एक्सरसाइज दी हुई, एक एक एक्सरसाइज तो मैं करा ही रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको अभ्यास करना है तो आप बैंकिंग के MBA पब्लिकेशंस के पुराने पेपर्स की एक किताब आती है वो ले आए, मेरे पास है, मैं आपको कल उसका मुखपृष्ठ दिखा दूंगा, आपको उसका कवर पेज दिखा दूंगा, वो बुक ले आएँ। और फिर उसके एक बार जब आप कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लें तो उसका एक रोज़ाना एक पेपर निकालें और उसको कॉन्सेप्ट को देखें कि क्या है, और हफ्ते में या दो हफ्ते में जब भी आपको समय मिले एक बार पूरे नोट्स को आप रिवाइज करें। इंग्लिश में आपको कम से कम 5 से 10 रिवीजन की ज़रूरत होगी, मैं आपके अपफ्रंट बता रहा हूँ। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो आपको ये कह दूँ मैंने जो पढ़ा लिया कर लो बेड़ा पार हो जाएगा, धोखा देने वाली बात है श्रीमान। मैं सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना आप ही को है। कम से कम 5 से 10 रिवीजन करना। आपको नौकरी लगना है तो नौकरी लगने के लिए आपको कई कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, तो कड़वा घूंट ये है श्रीमान, इस सब्जेक्ट को 5 नंबर लाने के लिए आपको हर सब्जेक्ट से 5 गुना समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये वीक पॉइंट है आपका, और किसी भी वीक पॉइंट को मजबूत बनाने के लिए आपको उस पर 5 गुनी मेहनत करनी पड़ती है। यही जीवन का कड़वा सत्य है। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर ने भी बाहर से बुला लिया कि ठीक है आप आ जाइए पढ़ाने के लिए, तो उतने से काम नहीं होगा। हम आपको हर बारीकी बता सकते हैं, पिटफॉल्स बता सकते हैं, गड्ढे बता सकते हैं कि ये समस्याएं हैं, लेकिन यू हैव टू वॉक द टॉक, रास्ते पे तो आप ही को चलना है श्रीमान। तो इसलिए जो भी एक्सरसाइजेज मैं करवा रहा हूँ आपको, उनको भी रिवाइज करना 4 से 5 बार। अब देखिए यहाँ पे हैव यू डिपॉजिटेड, इस बीच में कोई नाउन नहीं है, द प्रोसीड द लगा है तो ज़रूर कोई ना कोई नाउन होगा, इन बैंक और नॉट, बैंक आपके पास है तो प्रोसीड तो बैंक में ही जमा होते हैं, तो किसी भी बैंक जिसमें आपका खाता है, तो हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड, प्रोसीड तो वर्ब होती है और प्रोसीड होता है पैसा, बैंक में पैसा जमा होता है, तो पैसे के लिए इंग्लिश में जो शब्द है वो प्रोसीड्स होता है, नॉट प्रोसीड। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पैसे का अर्थ ढूंढना है, तो पैसे का अर्थ देने के लिए किस शब्द की जरूरत होगी, प्रोसीड्स। एक ये भी तरीका है करने का कि जो शब्द वहाँ पे अर्थ के हिसाब से चाहिए उसको वास्तव में हम क्या बोलते हैं, तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेंगे। ही आपका सब्जेक्ट है, वॉज हेटेड बाय ऑल। अब देखिए यहाँ पे भी कोई नाउन नहीं है इस पार्ट में, 4 प्रीपोजिशन आ गए, तो इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो फॉर हिज समथिंग, तो यहाँ पे कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, जबकि सेल्फिश जो है वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इसको नाउन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे सेल्फिशनेस। उसके बाद यहाँ पे देखिए अ स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, यहाँ पे दिक्कत आ गई आपको, 3 के साथ अगर ईयर शब्द आएगा तो वो बहुवचन होगा, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 3 ईयर्स
जैसे ही हम लगेंगे और 3 ईयर्स का टाइम वेट डिस्टेंस वाले शब्दों का, टाइम वेट और डिस्टेंस वाले शब्दों का हम पजेसिव केस बना सकते हैं, हिसिंग साउंड आ गया तो केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ये एपोस्ट्रोफी हटा के यहाँ लगाना होगा। एक तो ये तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, दूसरा तरीका 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अ 3-ईयर डिग्री कोर्स। ये दूसरा तरीका है, ये आप देख लीजिएगा पजेसिव केस का जो चैप्टर है उसमें मैंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है देखने के लिए आपको कि किस तरीके से। अच्छा, टाइम वेट डिस्टेंस वाले शब्दों का क्या रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपकी थ्योरी में आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरीके से इसको लिखना है। दो तरीके लिखने के, दोनों को आपको बता दिया गया है। अगला है इसमें, आई गेव हिम ₹200 नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन द बैंक और समथिंग, या टू डिपॉजिट भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे नाउन दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे भी नाउन नहीं है, सीधा सीधा जेरेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए खाली स्पेस मिलूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है आपका, इन्होंने लिखा है 200 रुपीज़ नोट्स। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 200 रुपीज़ नोट्स। ये कहना चाह रहा है 100-100 रुपए के दो नोट। तो ये जो टू आया है ये रुपीज़ के लिए आया है। तो जब भी आप रुपी शब्द को किसको नाउन के तौर पे ना इस्तेमाल करके एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करें, तो आप ऐसे लिखेंगे 200 रुपी नोट्स। याद रखिएगा एक वचन बहुवचन नाउन का बनता है, एडजेक्टिव का नहीं। दूसरा, जब भी आप किसी ऐसी नाउन से आप कंपाउंड नाउन बनाते हैं जिसमें पहली नाउन को एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मूल रूप से वो नाउन एकवचन होती है तो एकवचन फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो रुपी रुपीज, तो मूल रूप से एकवचन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे नाउन्स आ जाते हैं जो मूल रूप से बहुवचन होते हैं, अगर उनसे आप कंपाउंड नाउन बनाएंगे, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने सेविंग अकाउंट का, तो सेविंग का तो मूल रूप से सेविंग्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो ये नाउन है ही मूल रूप से क्या है, बहुवचन, तब हम जरूर यूज कर सकते हैं सेविंग्स अकाउंट। लेकिन अगर इसी का ही एक वचन रूप उपलब्ध होता जैसा कि रूपी के केस में है, तो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते समय हम एक वचन रूप का प्रयोग करेंगे, ना कि बहुवचन का, रिमेंबर दिस। तो ये एक डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पर जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें एक बात आती है कि जैसे मैं आजकल 200 रुपये का नोट चल रहा है, तो अगर मैं ये लिखूं कि 200 रुपीज रुपी नोट्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि 200 रुपए के नोट हैं, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया 400 रुपए। लेकिन अगर मैं कहूं 200 रुपए का एक नोट, तब मेरे को यहां पे इस्तेमाल करना है अ 200 रुपी नोट, क्यों, यहां पे अ जो आया है वो आर्टिकल नोट के लिए आया है, ठीक है सरकार। ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं केवल बोलूं 200 रुपए, तो मेरे को सिंपली ये यूज करना है 200 रुपीज, खत्म 200 रुपए। तब क्या होता है, मैं रुपी शब्द को नाउन के तौर पे यूज कर रहा हूं, तब बहुवचन के तौर पे मैं इसको यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं नोट की बात कर रहा हूं हरी किनारी वाले की, तब मैं उसको नोट को रखूंगा तो वो मेरा नाउन है। ये बीच में जितने भी शब्द आएंगे ये तो कंपाउंड नाउन बनाने के लिए या एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे होंगे, तो इसलिए उनको जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं तो उस नाउन का जो है वो मूल प्रकृति, अगर एकवचन बहुवचन दोनों, तो एकवचन का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन कई नाउन ऐसे ही होते हैं जिनकी मूल प्रकृति बहुवचन होती है, ऐसी स्थिति में कंपाउंड नाउन बनाते समय उस बहुवचन शब्द को हम रखेंगे, तो जैसे सेविंग्स अकाउंट का केस है वो वैसा ही केस है। जैसे कस्टम ड्यूटी नहीं होता, कस्टम्स जो हमारे जो हम प्रयोग करते हैं, कस्टम्स
कस्टम्स जो होता है आपका, कस्टम्स का मतलब होता है जो आप जो कर देते हैं, आयात आयात कर, उसको कस्टम्स कहते हैं। तो उस पर जो ड्यूटी लगती है उसको हम बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी, उसको हम कस्टम ड्यूटी नहीं बोलेंगे, कस्टम ड्यूटी बोलेंगे गलत हो जाएगा क्योंकि वो शब्द ही मूल रूप से बहुवचन है। बस ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगला जो क्वेश्चन है 16th, 16th इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। 16th हम देखते हैं, आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। कंटेंट जो होता है बेसिकली वो, इसने कंटेंट शब्द लिखा है। कंटेंट शब्द तो एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है संतुष्ट, लेकिन कंटेंट जो है वो कंटेंट होता है वो हमेशा बहुवचन में, तो कंटेंट्स कि इस आर्टिकल का कंटेंट्स क्या है, तो कंटेंट्स आएगा यहाँ पे, नॉट कंटेंट। कंटेंट तो एडजेक्टिव होता है। अच्छा मजे की बात, ये शब्द एक ही है, स्पेल आउट ऐसे करते हैं, कंटेंट कंटेंट होता है आपका, कंटेंट बोलेंगे तो इसका मतलब है संतुष्ट है। लेकिन आप बोलेंगे कि इसमें घटक तत्व क्या क्या हैं, चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो हम जो पढ़ाई का जो हम जो घटक तत्वों की या तत्वों की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट्स। थोड़ा सा प्रोनाउंस भी इसको डिफरेंट करते हैं, कंटेंट्स, स्टडी के कंटेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं सारी, तो कंटेंट्स प्रोनाउंस करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से बच्चे खासकर इसलिए भी घबराते हैं क्लास में क्वेश्चन पूछते समय, प्रोनंसिएशन का चक्कर रहता है। तो सारे, मैं भी आपका टीचर भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से ही हूँ, तो जो आप बोलते हैं मैं आराम से समझ सकता हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में जाएं तो कभी भी ये नहीं घबराएं कि जिस शब्द को मैं बोल रहा हूँ वो गलत है या सही है। निश्चित रूप से जो भी पहली बार सीखता है ऐसी भाषा जो विदेशी है तो वो गलतियाँ करेगा। तो जो भी कंपिटेटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ पे कभी फोकस नहीं करना चाहिए कि मेरा प्रोनंसिएशन सही है कि गलत है। इट्स ओके, आप सिर्फ क्वेश्चन पूछिए। उसके बाद आता है 20th, आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट एंड आई एम श्योर दैट दे विल गिव द जॉब टू समवन एल्स या समबडी एल्स। तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, एक अपॉइंटमेंट यहाँ पे एक नाउन आया है। ड्यूरिंग चूंकि प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है, एंड आई एम श्योर इसमें भी नहीं है, दे विल गिव दी जॉब, गिव वॉट दी जॉब तो इसका ऑब्जेक्ट है, टू समवन एल्स तो ये समवन एल्स तो प्रोनाउन है, उसका दिक्कत ही नहीं, आपके पास दो नाउन आ गए। अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इनका मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है, इसका ग्रामर के पास भी कोई इलाज नहीं है। ये मिसनोमर होते हैं, यानी कि गलत कॉन्टेक्स्ट में गलत शब्द का प्रयोग। तो ऐसे शब्दों को हम जनरली कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं। तो जब भी आपकी जॉब किसी और को मिल जाएगी, घबराहट कभी भी नियुक्ति के समय नहीं होती, अपॉइंटमेंट के समय नहीं, इंटरव्यू के समय होती है। तो ये बड़ा ही चालाकी भरा क्वेश्चन है जिसका कोई अर्थ नहीं है, बट लोग पूछते हैं। चूंकि ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो निश्चित रूप से बैंकिंग वगैरह में या एसओ वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका है ड्यूरिंग दी इंटरव्यू आएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बाद तो भैया मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं, कौन फिक्र करता है, तो इंटरव्यू आएगा, ड्यूरिंग दी इंटरव्यू। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इस एक्सरसाइज में भी, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है, इनका एक ही इलाज है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये मोर ऑफ मैं कहूँ तो लॉजिक का क्वेश्चन है रादर देन आपका ग्रामर का। उसके बाद अगला पार्ट है आपका, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एडवाइस। अब देखिए, माई बिजनेस इज एक, एडवाइस नाउन दो, टू के ऑब्जेक्ट के तौर पर, टू दोज प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट है, हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद, अप टू डील वगैरह सब, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, विद का ऑब्जेक्ट होगा प्रॉब्लम्स, विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स होती हैं जीवन में, प्रॉब्लम भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, बहुवचन है, यहाँ पे देयर का प्रयोग हुआ है, पजेसिव केस प्लस नाउन के बीच में कभी आर्टिकल का प्रयोग हो ही नहीं सकता, तो ये कुछ सामान्य झंझटों से हम दूर हैं। तो माय एक तो बिजनेस है नाउन, टू गिव एडवाइस, एडवाइस जो है आपको पता अनकाउंटेबल होता है, उससे पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। अब मजे की बात बताऊं आपको, यही क्वेश्चन आपको बहुत सी बुक्स में आर्टिकल की कैटेगरी में मिल जाएगा, बहुत सी बुक्स में आपको नाउन की कैटेगरी में मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर कहूं कि आर्टिकल जो चैप्टर है उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, आर्टिकल होता ही नाउन का पार्ट, तो मेरे हिसाब से नाउन और आर्टिकल को मिक्स करके पढ़ा जाना चाहिए, दैट इज मच बेटर आइडिया। बट स्टिल, चूंकि ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है, अगर कोई टीचर ज़्यादा अनकन्वेंशनल हो जाता है, ज़्यादा ट्रेडिशन से बाहर जाता है, तो स्टूडेंट्स को
अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नॉलेज से संबंधित नहीं होती, वो अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, वो मेंटल ब्लॉक्स हैं कि यार हम तो ऐसे पढ़ते हैं तो पता नहीं कैसे पढ़ा रहे, तो उसको हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ रहे हैं। बट एज ए टीचर मुझे लगता है, ये ओपिनियन है कि हम दोनों को मिक्स करके पढ़े तो ज़्यादा बेहतर नतीजे मिल सकते हैं हमें। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। माई ब्रदर इन लॉ एक है, हु लिव जो कि रहता है, अब लिव इसमें क्या है, मेन वर्ब है जो कि बहुवचन है, हैव कम ये भी वर्ब की बहुवचन है। तो ये एक रेयर किस्म का क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन को पूरे पढ़ने के बाद पता लगता है कि दोनों जो क्रियाएं हैं और दोनों अलग अलग हिस्से में और दोनों बहुवचन हैं, अगर एक हिस्से में होती तो हम सब्जेक्ट के अनुसार उनको बदल सकते थे, लेकिन बी और सी दोनों में एक साथ गलती हो नहीं सकती। तो इसका मतलब निश्चित रूप से क्या है, ये दोनों वर्ब बहुवचन है तो इनका सब्जेक्ट जरूर कोई बहुवचन है। तो ब्रदर इन लो एक वचन दिया हो तो इसको हम चेंज कर देंगे ब्रदर्स इन लो। माय ब्रदर्स इन लो हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस, मेरे जो भी ब्रदर्स इन लो हैं, अब साले हैं जीजे अंग्रेजी में बड़ा लफड़ा रहता है, अंग्रेजी में साले जीजे के लिए एक ही है, ब्रदर्स इन लो, सालियाँ जीजियाँ वो भी सिस्टर इन लो, ठीक है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है। तो अब पता नहीं किसका कौन है क्या है, तो उसको ब्रदर इन लो बोलते हैं अंग्रेजी में। ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज देर वर अनाउंसमेंट्स, अब अगर इसकी बात करें आप इस वाले पार्ट की तो सामान्य रूप से देखते हैं ये क्वेश्चन, फिर वो वही अपॉइंटमेंट और वो उस टाइप का क्वेश्चन है। ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज देर वर अनाउंसमेंट्स फॉर सिगरेट एंड टोबैको, तो एवरी पेज है तो यहाँ पे ओके है, एवरी के साथ नाउन एक वचन आता है, अनाउंसमेंट्स एक नाउन है, फोर के ऑब्जेक्ट है सिगरेट एंड टोबैको, सिगरेट एंड टोबैको के पेज पे अनाउंसमेंट नहीं होते, घोषणा नहीं होती, आओ सिगरेट पी लो, आओ तंबाकू खा लो, ऐसे करके ऐसे अंगूठे से करते हैं आई होप ऐसे, फिर ताली देके, वो तंबाकू खाने के लिए नहीं बुला रहा है, अनाउंसमेंट घोषणा ही नहीं होती इसकी। मैगजीन पे पेज पे इनके एडवर्टीजमेंट होते हैं सरकार, तो यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ये अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे गलत कॉन्टेक्स्ट में गलत शब्द का प्रयोग है, तो अनाउंसमेंट्स की जगह क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट्स, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट शब्द का प्रयोग होगा ना कि अनाउंसमेंट का, क्योंकि मैगजीन्स में पदार्थों के विज्ञापन आते हैं ना कि घोषणाएं। अब ये कॉन्सेप्ट अगला जो 24th है, ये ऐसा प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, हैबिट यहाँ पे हमारी एक नाउन है, इज वर्ब आ गई, द यूज फिर नाउन आ गई, ऑफ फिर टोबैको, टोबैको अगेन हमारे पास क्या आ गया, नाउन आ गया, तो टोबैको चूँकि पदार्थ है एक अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल से एन भी पहले नहीं लगता, बहुवचन भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप में ओके फंडा क्लियर हो गया। इज़ द यूज़ ऑफ, अब द यूज़ है किसका पर्टिकुलर प्रयोग है टोबैको का, तो यहाँ पे द यूज़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी नाउन में। अब देखिए वन ऑफ मैनी ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा बहुवचन होता है, तो यहाँ पे हैबिट की जगह हैबिट्स आएगा, ये कॉन्सेप्ट एक बार पुनः आएगा किसमें, प्रोनाउन में, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये देखिए वो जो हमने नाउन में किया था ये वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगला आता है रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर, तो कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है, एंड फाउंड क्या, सीनरीज, यहाँ पे एक नाउन आ गया, टू बी मार्वलस, टू बी के बाद एडजेक्टिव आया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीनरीज जो है वो अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, उसको बहुवचन नहीं बना सकते, तो हटाइए इसको, सीनरी ही होगा यहाँ पे, ऐसे एस नहीं हटा के हम यूज़ करेंगे सीनरी, ये हमारा एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है श्रीमान। अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जरा ध्यान से। सत्यजीत रे किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, हु कंसीव्ड कोथर्ड एंड डायरेक्टेड, डायरेक्ट की हैं
ये सारी की सारी हु रिलेटिव प्रोनाउन, फिर सारी की सारी क्रिया, यहाँ तक क्रियाएं हैं। फिर क्या है, ए नंबर, ये प्रोनाउन होता है। ऑफ, ऑफ के बाद कोई ना कोई इसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ गुड फिल्म्स, तो ए नंबर ऑफ का ऑब्जेक्ट प्लूरल है। ओके भैया, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद नाउन, मैंने बताया वन ऑफ, मैनी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो यहाँ पे भी ओके है। वॉज, फिर वर्ब आ गई, वन ऑफ, वन प्रोनाउन है, फिर ऑफ आ गया, यानी इसका ऑफ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुवचन होगा। इंडियाज मोस्ट एडवर्ब टैलेंटेड पास्ट पार्टिसिपल फिल्म मेकर, फिल्म मेकर कंपाउंड नाउन, तो नाउन हमारे पास आ गया यहाँ, तो यानी ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, बहुवचन, तो क्या आएगा, मेकर्स। ये आपका श्रीमान फंडा है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोनाउन से भी संबंधित है, तो एक बार पुनः इस पर हम रिविजिट करेंगे। फिर अगला जो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, शी इन्फॉर्म किए हैं किसको, मुझे, तो दोनों प्रोनाउन है, दिक्कत नहीं है। दैट, फिर एक कनेक्टिव आ गया, फिर एक स्टेटमेंट शुरू हो गया, सी प्रोनाउन है, हैड गोन टू, फिर वन ऑफ आ गया, क्या आ गया, यानी कि इस ऑफ का जो ऑब्जेक्ट होगा, तो वन ऑफ किसके, पर्सन, पर्सन इसका ऑब्जेक्ट है, तो जब पर्सन है तो वो क्या होगा, बहुवचन होगा वन ऑफ के बाद, तो हम लिखेंगे पर्सन्स। अब बहुवचन बनते ही पॉजिटिव केस बन गया, पॉजिटिव केस, सॉरी, बहुवचन बनते ही इसमें हिसिंग साउंड आ गया, तो पॉजिटिव केस के लिए केवल एपोस्ट्रोफी आएगी। वन ऑफ द पर्सन्स हाउसेस, अब भैया किसी घर जाते हैं तो घर के लिए हम वैसे ही पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करते हैं, तो हाउसेज को हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यह आएगा, शी इन्फॉर्म मी दैट शी हैड गॉन टू वन ऑफ द पर्सन्स एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, ये है आपका। अब अगला है 28, देखिए, शी मिसप्लेस्ड क्या, स्पेक्टेकल, एक नाउन, एंड इज नाउ फीलिंग, अब क्या कर रही है, फील कर रही है क्या, डिफिकल्टी किसमें, इन स्टडिंग जेरेंडियल, तो यहां पे कठिनाई महसूस कर रही, कठिनाई अनकाउंटेबल है, सामान्य बात हो रही, तो कोई आर्टिकल नहीं है, ओके है, स्टडिंग इज ओके। अब आता है आपका मिसप्लेस करना, खो देना। अब स्पेक्टेकल होता है दृश्य, तो दृश्य कोई थोड़ी खो सकता है, शायद चश्मा पहनती होगी, वो खो दिया होगा, तो यहाँ पे आएगा स्पेक्टेकल्स, खो देने लायक चीज़ तो चश्मा ही होगा, तो यहाँ पे स्पेक्टेकल्स का प्रयोग करेंगे। अध्ययन करने में भी दिक्कत तभी आती है जब चश्मा खो जाता है, क्योंकि देख नहीं पाते आप ढंग से। 29th, द ब्लाइंड्स डिजर्व आर सिंपथी। अब देखिए, जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा द ब्लाइंड है, तो जब भी एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं तो वो बहुवचन नहीं होता, अपने आप में ही बहुवचन होता, द ब्लाइंड डिजर्व आर सिंपथी, तो इस तरीके से इसमें देखते ही पार्ट एम ही गलत है। 30th, द इंडियन फोर्स, फोर्स नाउन, इंडियन एडजेक्टिव, ड्रॉ अवे किसको, द चाइनीज, द चाइनीज इज ओके। अब देखिए, फोर्स शब्द का प्रयोग जब सेनाओं के लिए किया जाता है, ट्रुप्स के लिए, तो वो बहुवचन होगा हमेशा, तो हम क्या बोलेंगे, द इंडियन फोर्सेज, इस तरीके से पार्ट ए में गलती है, फोर्स की जगह हम इंडियन फोर्सेज शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे फोर्स पे हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे, इंडियन फोर्सेज ड्रॉ अवे, पार्ट ए में गलती है। 31 देखिए, जीवन अनकाउंटेबल है, ओके है, द रिच एडजेक्टिव से नाउन बनाया है, द लगाकर, ऐसे ही एस नहीं है, ओके है। द लाइफ ऑफ द रिच, आप बोलेंगे सर रिच तो बहुवचन, तो यहाँ पे आर क्यों नहीं आया, तो ध्यान दीजिए ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, सब्जेक्ट तो लाइफ ही है। द लाइफ इज मोर लग्जूरियस एडजेक्टिव है, देन दैट ऑफ द पुअर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट ऑफ ओके है, द पुअर्स, अब देखिए पुअर्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, गरीबों के लिए द पुअर शब्द का इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के साथ आपका जो है नाउन लगाकर पॉजिटिव केस, नाउन सॉरी एडजेक्टिव से पहले द लगाकर कलेक्टिव नाउन बनाया गया है। उसके बाद है द लूज ऑफ द पर्स, अच्छा हानि है, हानि के लिए लूज शब्द का नहीं है, तो क्रिया है, लॉस आएगा, तो सीधे सीधे आपको ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए क्विकली बता रहा हूँ मैं आपको। फिर अगला 33,
द मोरल ऑफ द आर्मी, द मोरल इज ओके, द आर्मी इज ओके वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़ क्या है, कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो फ्रंट से आ रही थी आर। अब देखिए न्यूज सब्जेक्ट है, न्यूज सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आपका बहुवचन नहीं होके कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे वॉज है, इसका मतलब घटना पास्ट की है, तो यहाँ पे आर की जगह हम यूज़ करेंगे वॉज। द न्यूज़ वॉज वेरी एनकरेजिंग, तो इस तरीके से हम वॉज का प्रयोग करेंगे। 34th नंबर जो है, द प्रिंसिपल नाउन, दिक्कत नहीं है, गेव हिम क्या पनिशनेस, अच्छा कुछ दिया है उसको, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे नाउन आना चाहिए। पनिशनेस अपने आप में कोई नाउन नहीं होता, पनिशनेस नहीं होता, पनिशमेंट होता है, यानी कि नाउन के गलत रूप का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो हम यूज़ करेंगे पनिशमेंट। द रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोइंग नहीं होता, पार्ट ए में है तो रेट ऑफ ग्रोथ कर दीजिए यहाँ पे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कॉल 36th। ओके, द टेबल्स वुड पजेसिव केस है, तो टेबल्स वुड हम जब देखेंगे यहाँ पे, तो पजेसिव केस जो है वो निर्जीव है, निर्जीव है, निर्जीव निर्जीव का पजेसिव केस नहीं बनता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द वुड ऑफ द टेबल। तो 36th नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, तो अब तक मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट की कैसे है। हो सकता है कुछ एक्सरसाइजेज में मैं कुछ क्वेश्चन स्पीड से कराऊं, कुछ स्लो कराऊं, लेकिन आपको स्लो वाला मेथड यूज करना है। जैसे अगला, देयर सब्जेक्ट है वॉज क्या है, एक कॉलेज है किसका, लड़कों का, एक कॉलेज है किसका, लड़कों का, तो यहाँ पे लड़के का कॉलेज नहीं है, लड़कों का कॉलेज होता है, इन कहाँ पे, मेरे विलेज में, तो यहाँ पे एक नाउन आपका ये है, एक नाउन यहाँ पे पॉजिटिव केस में ये है। तो लड़कों के कॉलेज के लिए हमें पता है बॉयज़ को बहुवचन बनाएंगे, बॉयज़ को बहुवचन बनाएंगे तो केवल एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, बॉयज़ कॉलेज, इसलिए पार्ट आपके बी में एरर है, इस तरीके से आपको देखेंगे। फिर आपका आता है यहाँ पे अगले में हम नाउन देखते हैं, एक ये नाउन है आपका, देर टू एडजेक्टिव है, स्कोर्स नाउन है, ऑफ किसका, बुक्स का, एक नाउन ये है। फिर प्रोनाउन आ गया, आर हेल्पिंग वर्ब, लाइंग मेन वर्ब, अनयूज्ड पास्ट पार्टिसिपल है, या जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, किसमें, इनका ऑब्जेक्ट कौन है, लाइब्रेरी, तो ये भी एक नाउन है अपने पास, लाइब्रेरी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, टू स्कोर्स, अब हमने पढ़ा कि जो संख्या बताने वाले शब्द हैं, डजन है, स्कोर है, ग्रॉस है, उनसे पहले अगर न्यूमरल का प्रयोग हुआ तो उसको बहुवचन नहीं बनाएंगे हम, तो यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ इससे पहले, तो इसलिए टू स्कोर्स की जगह आएगा टू स्कोर, एस हटा देंगे, तो पार्ट ए में गलती है। टू स्कोर्स है तो वो भी किताब का तो होगा नहीं, किताबों का होगा, तो ये भी ऑफ का ऑब्जेक्ट भी ओके है बहुवचन के तौर पे, तो इसमें गलती है आपकी, स्कोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देर से सेंटेंस शुरू है, वॉज ए लॉट ऑफ मनी, मनी पहला नाउन है, इन किस में, बैंक में, ये फिर दूसरा है, बैंक में पैसा है, ठीक है, इन सुधीर एंड राजीव ये इनके ऑब्जेक्ट के तौर पे आए हैं, सुधीर एंड राजीव जॉइंट अकाउंट। अब जब जॉइंट है, दो लोगों की कोई साझी चीज़ होती है, तो हमें पता है कि जब दो लोगों की साझी चीज़ है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल हम बाद वाले पे करते हैं, पहले वाले पे नहीं करते, तो इस तरीके से यहाँ पे इस वाले का एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे। उसके बाद है देवर वेटिंग, तो दे प्रोनाउन है, वर्ब वेटिंग वर्ब पार्ट है, किसके लिए, फॉर ट्रेन अराइवल, ट्रेन अराइवल नहीं होता, ट्रेन्स अराइवल होता है, तो ये फिक्स टर्म है जो आपको यूज़ कर लेनी है, आपके नोट्स में भी लिखी हुई है, बहुत सी चीज़ें तो आपके नोट्स में से ही अपीयर हो रही हैं बार 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 बार। दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर बुक्स, जो आप ऑर्डर देते हैं किताबों के लिए वो काउंटेबल होता है, तो दे हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, एन ऑर्डर फॉर बुक्स, तो यहाँ पे आर्टिकल लग जाएगा और कोई विशेष इसमें दिक्कत नहीं है। ये आपकी होगी एक्सरसाइज नंबर 1।
एक्सरसाइज नंबर वन क्या कहती है, बेसिक प्रैक्टिस है। अब आती है एक्सरसाइज नंबर टू, जो सीधे आपके क्वेश्चन को हिट करती है, बड़े क्वेश्चन से, और इसका अभ्यास थोड़ा केयरफुली करना। इसमें क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। मैं नहीं कहता कभी इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये जो मैंने ऊपर कराए उनमें से भी अपीयर हो सकता है क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है। अगर पांच कॉमन एरर के क्वेश्चन है तो उनका आप मान के चलिए एक या दो इजी होते हैं, एक मॉडरेट होता है और एक या दो डिफिकल्ट होते हैं, ये एक रेशियो रहता है हमेशा। तो इजी वाले पार्ट से भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। एक्सरसाइज नंबर टू पे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज नंबर टू, द टीचर एंड द गार्जियन। देखिए यहाँ पे भी नाउन, यहाँ पे भी नाउन। अब जब भी दो लोग होते हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों पे आर्टिकल लगता है। तो टीचर एंड गार्जियन दोनों अलग अलग हैं। अप्रिशिएट जया वॉकिंग अर्ली। अप्रिशिएट किसको करते हैं, जया को करते हैं या उसका जल्दी उठ के दो घूमने जाने को, तो घूमने जाने को करते हैं। तो आपका अप्रिशिएट का ऑब्जेक्ट कौन है, ये जेरंड है, वॉकिंग। तो जेरंड से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो पजेसिव केस में आता है, तो हम इसको लिखेंगे जयाज वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग में भी इन द मॉर्निंग होता है, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू भी होता है, फ्रेज प्रेपोजिशन है। अचीविंग नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस वो यहाँ पे पार्ट टू में दिक्कत है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो आपके लेवल के हैं, इनका आपको बड़ा ध्यान से अभ्यास करना है। उसके बाद अगला है, द सेम बोर्ड इज यूज फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। सेम बोर्ड चेस खेलने के लिए भी यूज करते हैं और ड्रॉट्स खेलने के लिए भी, यानी जो खेल है। ये नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, याद रखिएगा। नो एरर भी होते हैं, कुछ बच्चे तो ज़बरदस्ती एरर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आया हूँ तो एरर तो ढूंढ के जाऊँगा, एग्जाम देने आया हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। नो एरर क्वेश्चंस भी होते हैं। अगला है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, टू चेंज इन्फिनिटिव है क्या, अ ह्यूज स्कोर, बड़ा स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। इनिंग जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन के तौर पर आता है, यानी दिखने में बहुवचन होता है, तो इनिंग्स आएगा, इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फाइव इनिंग्स, कुछ भी हो, इनिंग्स का ही प्रयोग करना है हमें, इनिंग का प्रयोग नहीं करना, ऐसे ही इसके साथ ही यूज करना, इनिंग्स होता है। सम टीचर्स, कुछ टीचर्स, तो यहाँ पे संख्यात्मक शब्द है, टीचर्स बहुवचन है, ओके है। फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स, ओके। ऑर्डर्स शब्द जो है वो अगर क्लास में डिफ़िकल्ट है ऑर्डर रखने में, ऑर्डर रखने में मेरा मतलब यहाँ से ऑर्डर का मतलब जो है वो ऑर्डर का मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन से है, तो डिसिप्लिन के लिए ऑर्डर शब्द का प्रयोग होता है तो वो अनकाउंटेबल होता है, एस हटेगा, तो पार्ट थ्री में गलती है इसमें, इन देयर क्लास। अगला है, पीपल नाउन है, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के, मस्ट यूनाइट, यूनाइट हो जाना चाहिए। अब दुनिया के लोग यूनाइट नहीं होते, दुनिया के देश यूनाइट होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे पीपल्स शब्द आएगा, देशों के लिए पीपल्स शब्द का प्रयोग होता है। द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाय, ग्रेट आर्टिस्ट कोई एक आर्टिस्ट है, द ग्रेट आर्टिस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, सराउंडेड बाय किसके द्वारा, यूजुअल क्राउड, क्राउड भी ठीक है, ऑफ हैंगर ऑन्स। अब देखिए हैंगर ऑन का जो प्लूरल बनता है वो हैंगर्स ऑन होता है, नॉट हैंगर ऑन्स, हैंगर्स ऑन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उससे आया जो आपका लास्ट में हमने किया ना कि किस तरीके से एकवचन बहुवचन बनाते हैं, उससे आया। इन स्पाइट ऑफ हैविंग क्या, रिसीव्ड क्या, ऑल द नेसेसरी डेटा, ऑल आ गया तो डेटा बहुवचन आ गया, ठीक है, डन है साहब, क्योंकि ओल के साथ अगर संख्यात्मक शब्दों के लिए प्रयोग होगा तो नाउन बहुवचन आएगा। ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजन, एनी डिसीजन ठीक है, एनी के साथ नाउन एकवचन बहुवचन दोनों आ सकता है। बिकॉज ऑफ एक्सट्रेनियस रीजन, बाहरी कारणों से, इसमें कोई गलती नहीं, एक्सट्रेनियस रीजन बाहरी कारण होते हैं, नो एरर। वन ऑफ, अब देखिए वन ऑफ आ गया, वन ऑफ द मोस्ट है, माई नहीं है, दी मिसप्रिंट है यहाँ पे, सॉरी, ये क्वेश्चन पहले भी आ सकता है। वन ऑफ का ऑब्जेक्ट हैबिट्स है, वो
रिपीट हुआ है तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ. द लॉसेज एट द रेसेज मेड द यंग मैन लूज द पीस ऑफ हिज माइंड. तो यहाँ पे द लॉसेज ठीक है, द लॉसेज एट द रेसेज, हिज लॉसेज एट द रेसेज नहीं होगा, यहाँ पे द लॉसेज एट द रेसेज होगा. तो ये एक छोटी सी एरर है यहाँ पे पार्ट वन में. ऐसा क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं आपके एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे ही. उसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम करना चाहते हैं आज 20th तक, तो दो चार पांच क्वेश्चन और हैं जो आज के एक्सरसाइज में है हमारे पास. इस एक्सरसाइज के सेकंड एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे 20th के बाद के जो हैं. आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक. मैं कोई अब देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम है ये वर्ब का है, बाय डिफॉल्ट ये नाउन में आ गया है. अब दो नाउन है, हेयर और लिसन, दो क्रियाएं हैं. हेयर और लिसन में क्या फ़र्क होता है? हेयर नेचुरल प्रोसेस है, जैसे लुक और सी में फ़र्क होता है वही हेयर और लिसन में होता है. हेयर आप करते हैं नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो प्राकृतिक रूप से घटना घट रही है उसको आप हेयर कर रहे हैं. लेकिन लिसन जो होता है वो इंटेंशनल होता है, जानबूझ के किया गया होता है. तो ये कह रहा है आई एम लिसनिंग टू सम ओल्ड सॉन्ग, मैं कोई पुराना गाना सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग टू आएगा नॉट हियरिंग टू. लिसनिंग टू सम ओल्ड सॉन्ग, तो यहाँ पे लिसनिंग टू का प्रयोग कर देंगे. उसके बाद अगला जो है उसमें चिल्ड्रन एक नाउन है, असेंबल्ड कहाँ पे? ऑन द ग्राउंड, एक नाउन यहाँ पे है. एंड फिर कंजंक्शन आ गया, वेट कर रहे हैं किसका? प्रिंसिपल का. किसके लिए? एक दूसरा नाउन यहाँ पे आ गया, टू कम, आने के लिए. तो वो इन्फिनेटिव है, उसमें दिक्कत नहीं है. अब देखिए ऑल द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन बहुवचन है, ऑल आता है संख्या बताने के लिए, तो ये तो ओके है, ऑल के साथ मैच कर रहा है. असेंबल हुए किस पे? ग्राउंड पे. नहीं, आप धरातल पे बच्चे इकट्ठे नहीं होते, बच्चे प्रांगण में इकट्ठे होते हैं या आंगन में इकट्ठे होते हैं, तो उसके लिए वर्ड आएगा ग्राउंड्स. कृपया ध्यान दें. अगला है इन टुडे मीटिंग, टुडे मीटिंग एक नाउन हमारे पास है. वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस क्या? एंड थ्रैश आउट, थ्रैश आउट भी क्रिया है, प्रॉब्लम वन बाय वन. थ्रैश आउट द प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे, प्रॉब्लम्स आएगा. एक तो मिसप्रिंट है शायद यहाँ पे. और इन टुडे मीटिंग नहीं होगा, टुडेज मीटिंग होगा, वो आई थिंक मिसप्रिंट है. जबकि एरर क्या है यहाँ पे? वन है. और अगर टुडेज मीटिंग लिखा होता तो ऑब्वियसली थ्रैश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन, वन बाय वन आपको प्रॉब्लम्स थ्रैश आउट करनी है, तो एक प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती. तो सिर्फ यही लिख देता दी प्रॉब्लम, वन बाय वन लिख रहा है मतलब प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं. ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ग्रामर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है. तो यहाँ पे थ्रैश आउट दी प्रॉब्लम आएगा. उसके बाद अगला है आपका ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द पीपल. अब ग्रोइंग अवेयरनेस है किसमें? अमंग किसमें? लोगों में. विल पुट सम इफेक्ट, कुछ प्रभाव डालेगी ऑन द पॉलिटिशियंस एक्शंस. अब पॉलिटिशियन एक के ही अवेयरनेस नहीं डालते, सभी डालते, तो पॉलिटिशियन बहुवचन आना चाहिए लॉजिकली, तो आएगा पॉलिटिशियंस एक्शंस. तो पॉलिटिशियंस बहुवचन बनते ही एपोस्ट्रोफी बाहर चली जाएगी यहाँ से, बस ये एक ही एरर है इसमें पार्ट फोर्थ में. 14th द पीसेस किसके? विंडोज़ के. विंडोज़ कैसी? ग्लास की विंडोज़ हैं, ठीक है. कहाँ स्प्रेड हुए? माइल्स तक. बट दूसरा आ गया इट अपारेंटली किल्ड नो वन, लेकिन इसने किसी को मारा नहीं. किसने नहीं मारा भैया? पीसेज ने. तो पीसेज क्या है? बहुवचन. और वहाँ पे इसके लिए इन्होंने प्रोनाउन क्या यूज़ कर रखा है? एक वचन. तो इट गलत होगा. तो ये क्या है? दे अपारेंटली किल्ड नो वन. तो यहाँ पे दे आएगा, पार्ट थ्री में प्रॉब्लम है. नाउन के लिए यूज हुआ प्रोनाउन उसी के अनुसार आएगा. अब इसको प्रोनाउन की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, नाउन के में भी डाल सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स यू नो. उसके बाद अगला जो आपका पार्ट है वो है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 15th. तो 15th क्या कहता है श्रीमान? द बुक मस्ट बी ओल्ड, जरूर पुरानी होगी. फॉर क्योंकि, इट्स कवर, फोर क्योंकि का भी अर्थ देता है कंजंक्शन के तौर पे, चूंकि या क्योंकि. इट्स कवर, इसका जो कवर है, अब प्रोनाउन से जो पजेसिव केस बनाते हैं
तो उसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं कर रहे, इट्स कवर आएगा यहाँ पे, तो ये प्रोनाउन से आ गया, इट्स कवर स्टोन, इट एपोस्ट्रोफी है इसका मतलब, तो इट इज होता है, बाद में दोबारा वह गया बता दूंगा मैं। अब यहाँ पे फ्यू वर्ड एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है ग्रेटिट्यूड, ऑफ ग्रेटिट्यूड नाउन है, आर वर्ब आ गई, इनफ पर्याप्त एडजेक्टिव आ गया, टू एक्सप्रेस इन्फिनिटिव आ गया, योर क्या एक्सप्रेस क्या फीलिंग्स, एक नाउन आ गया सिंसियरली। तो यहाँ पे अब एफ यू आया है, तो एफ यू चूंकि संख्या बताने वाला शब्द है इसलिए एफ यू वर्ड्स आएगा यहाँ पे। नो अदर टाइपिस्ट्स इन दिस ऑफिस, नो अदर के साथ जो नाउन होता है वो हमेशा एक वचन आएगा, ये एडजेक्टिव में पुनः आएंगे, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, तो पार्ट दो में गलती है, नो अदर टाइपिस्ट होता है। 18th क्वेश्चन, एज द चाइल्ड, चाइल्ड इज एक नाउन, टू यंग टू ट्रैवल बाय हिमसेल्फ, दे अरेंज्ड हिज ट्रैवल इन गार्ड्स वैन, नो एरर, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। 19th, आई हैव रेड टैगोर्स, ओके टैगोर लिखा है इन्होंने, खैर एनीवेज ए नहीं आना चाहिए था, पॉसिबली अलग अलग लोग प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग में वेरिएशन आ जाता है। आई हैव रेड टैगोर्स पोएम्स, हु इज अ ग्रेट पोइट, ये पजेसिव केस में मैंने बताया था, हु इज अ ग्रेट पोइट किसके लिए आया है, टैगोर के लिए, रखा किसके पास है, पोएम्स के पास, इसलिए यहाँ पे झमेला हो सकता है। तो हम इसको पार्ट दो को कैसे लिखेंगे, द पोएम्स ऑफ, पोएम्स ऑफ टैगोर, हु वॉज, तो अब यहाँ पे हु टैगोर के पास आ गया विच इज करेक्ट, तो पार्ट दो को हम इस तरीके से लिखेंगे, द पोएम्स ऑफ टैगोर। 20th, ओके ही रिसीव्ड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु हैज बीन वर्किंग अब्रोड फॉर द लास्ट 6 ईयर, 6 के बाद नाउन आया है तो वो बहुवचन होगा ना, ईयर की जगह ईयर्स होगा। बड़ी ही श्रूड सी धूर्त किस्म की प्रॉब्लम है ये, कई बार ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में नज़र नहीं जाती, तो जो भी संख्यात्मक शब्द है उनके बाद नाउन आएगी तो ऑब्वियसली वो बहुवचन आएगी, तो उसमें 6 ईयर की जगह हम करेंगे 6 ईयर्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्कार, अगली क्लास में फिर रिमेनिंग एक्सरसाइज के साथ आएंगे, थैंक यू सो मच।